Hello, students. Today we are in lecture number 9 of our chapter Current Electricity, and we are going to study a newly added concept in our chapter. That newly added concept is Thermoelectricity. After attending today's lecture, you will be in a position to answer questions related to thermocouple see back effect thermoelectric current thermo emf how to decide magnitude and direction of thermo emf what is thermoelectric series what is neutral and inversion temperature and finally thermoelectric power so with this much introduction let's start firstly we will understand thermoelectricity. When electric current is passed through a resistor, electric energy is converted into thermal energy. The reverse process is also possible, and this reverse process was discovered by CBAT. Students, reverse ka matlab hua, Conversion of Thermal energy into electrical energy? So, the production of electricity due to difference in temperature is called as thermoelectricity. The production of electricity due to difference in temperature is called as thermoelectricity. Of students' thermoelectricity. कैसे फॉर्म होता है वी विल अंडरस्टैंड दैट इन अ स्टेप वाइज मैनर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हम समझेंगे अबाउट थर्मोकपल थर्मोकपल के बाद स्टूडेंट्स हम समझेंगे सी बैक इफेक्ट एंड कौन से कौन से फैक्टर्स हैं जो थर्मो ईएमएफ को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं एक-एक करके हम ये समझेंगे स्टूडेंट्स सो आवर फर्स्ट रिस्पांसिबिलिटी इज टू अंडरस्टैंड Thermocouple. Students, a thermocouple is formed when two suitable dissimilar materials, now it may be conductors, maybe magnetic metals, maybe alloys, or even semiconductors, are joined together at two ends and when some temperature difference is maintained. एग्जाम्पल के तौर पर क्या किया है आई है वायर ऑफ आय मैंने उसको इस तरीके से कनेक्ट किया है कि मैं दो जंक्शन फॉर्म कर सकू स्टूडेंट दिस इज जंक्शन नंबर वन एंड दिस इज स्टूडेंट जंक्शन नंबर टू अब मुझे क्या करना है स्टूडेंट्स मुझे टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करना है

तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने थर्मो कपल फॉर्म कर लिया नाउ लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स थर्मो कपल इज ऑल्सो कॉल्ड एज टू जंक्शन सर्किट तो बेसिकली क्या करना है बच्चों दो अलग अलग मटेरियल सिलेक्ट करना है मैंने कौन सा सिलेक्शन किया है बच्चों कॉपर एंड आयन दो जंक्शन फॉर्म कर दीजिए उनको आप डिफरेंट टेम्परेचर पे प्लेस करिए फॉर एग्जाम्पल दोचर्स आर टी वन एंड टी टू ये फॉर्म हो गया बच्चों थर्मो कपल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ टू जंक्शन सर्किट अब होगा क्या स्टूडेंट करंटार्ट फ्लोइंग अक्रॉस दिस कनेक्शन इसको हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे यूजिंग सी बैक इफेक्ट द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ थर्मो कपल

एंड थोड़ा इसको इजी कर लेते हैं नंबर्स के हेल्प से हॉट एंड यानी जो जंक्शन था जहां का टेम्परेचर में टी वन एज्यूम कर रहा था वो नंबर ले लू बेटा मैं हंड्रेड डिग्री सेल्सियस ये जो कोल्ड एंड है बच्चा जो जंक्शन जे टू है जहां का टेम्परेचर हम टी टू एज्यूम कर रहे थे उसको हम एज्यूम कर लेंगे स्टूडेंट जीरो डिग्री सेल्सियस थोड़ा ये टास्क हमारे लिए इजी हो जाएगा राइट right? नाउ गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर चुका हूँ लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स इन केस में जंक्शन वन एंड जंक्शन टू को सेम टेम्परेचर पे रखता मतलब दोनों जंक्शन के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस ना होता तो गैल्वेनोमीटर विल शो जीरो डिफ्लेक्शन मतलब गैल्वेनोमीटर विल नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन इसका मतलब साफ है स्टूडेंट दैट

This implies that electric current flows through the circuit. This current is called as thermoelectric current. The flow of current in this circuit, students, indicates that there is some source of EMF in the circuit. This EMF is called as thermoelectric EMF, or simply many of the times it is called as thermo EMF. एक बात हम ध्यान से समझ ले स्टूडेंट्स इन दिस थर्मोकपल इज रियली वेरी स्मॉल दैट इज इज इट ऑफ़ द ऑर्डर ऑफ़ अ फ्यू पर डिग्री सेल्सियस डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन जंक्शन नाउ लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स इफ द हॉट एंड कोल्ड जंक्शन आर इंटरचेंज मतलब ये जंक्शन जे था बेटा वो मैंने जीरो पे ले लिया और जंक्शन जो जे टू था वो हंड्रेड पे मतलब उल्टो जो मैंने फर्स्ट किया था उसके कंपेरिजन में उल्टो वॉटन इफ हॉट एंड कोल्ड जंक्शन दैट इज थर्मो करंट reverses direction. सो so students आसान भाषा में मैंने इस डायग्राम में करंट को क्लॉकवाइज फ्लो होता हुआ दिखाया है तो उस बार मतलब जब हम लोग जंक्शन के टेम्परेचर को रिवर्स कर लेंगे तो ये जो करंट का डिरेक्शन है ये भी रिवर्स हो जाएगा रिवर्स का मतलब होगा स्टूडेंट्स एंटी क्लॉकवाइज डिरेक्शन ना लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू थर्मो इलेक्ट्रिक करंट एंड थर्मो ई एम एफ स्टूडेंट स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने करंट को एक पर्टिकुलर डिरेक्शन में फ्लो होता हुआ दिखाया है सर्किट में क्या मैं ऐसा कहूं दैट दिस करंट विल फ्लो इन एनी रैंडम डिरेक्शन ऑब्वियसली नो स्टूडेंट्स करंट का मैग्नीट्यूड एंड डिरेक्शन डिपेंड अपॉन ई एम एफ एंड स्टूडेंट द मैग्नीट्यूड एंड डिरेक्शन ऑफ ई एम एफ विल डिपेंड ऑन टोटल टू फैक्टर्स मतलब अभी हम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड एंड डिरेक्शन ऑफ थर्मो ई एम एफ कौन से कौन से दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा फैक्टर नंबर वन स्टूडेंट्स, नेचर ऑफ मटेरियल दैट वी आर सिलेक्टिंग टू फॉर्म अ थर्मो कपल एंड फैक्टर नंबर टू इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द जंक्शंस ऑफ थर्मो कपल लेट अस स्टार्ट विद फैक्टर नंबर वन स्टूडेंट्स. नेचर ऑफ मटेरियल फॉर्मिंग अ थर्मो कपल सी बरेंट मेटल इन दीरिजिस को स्टूडेंट्स आज हम नाम देते हैंनी टू ऑफ कैन फॉर्म अ थर्मो कपल नाउ स्टूडेंट्स दिस थर्मो इलेक्ट्रिक सीरीज लुक्स लाइक तेल्यूरियम एंटीमनी Arsenic, iron, cadmium, zinc, copper, gold, chromium, strontium, lead, mercury, manganese, copper, platinum, cobalt, nickel, bismuth. Students, the rule is through the cold junction, current flows from the metal placed. Earlier in this list to the one which is placed later in the list. I repeat, the rule is through the cold junction, current flows from the metal placed earlier in this list to the one which is placed later in this list. Now, students, let us try to understand this.

टू कॉपर एट कोल्ड जंक्शन लेट एस कंसिडर अनदर एग्जाम्पल दैट एग्जाम्पल स्टूडेंट इज एंटी मनी यानी बी आई थर्मोकपल स्टूडेंट्स एंटी मनी हमने कहा प्लेस किया हुआ है यहाँ पे लिस्ट में बिस्मत हमने यहाँ पे प्लेस किया हुआ है स्टूडेंट नाउ द रूल इज एट द अप टू बिस्मत स्टूडेंट्स मैंने कहा एंटी मनी अपू बिस्मत इसीलिए स्टूडेंट्स मैंने करंट को यहीं पर डायग्राम में दिखाया हुआ है एस बी टू बी आई एट द कोल्ड जंक्शन अब हमने सीख लिया स्टूडेंट्स हाउ टू डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ करंट एट द कोल्ड जंक्शन एंड हमने क्लियरली ये रूल समझा एट द कोल्ड जंक्शन करंट हैज़ टू फ्लो फ्रॉम द मेटल प्लेस्ट अर्लियर इन द लिस्ट अप टू द वन विच इज प्लेस लेटर इन द लिस्ट स्टूडेंट्स लिस्ट का मतलब हुआ मेरे लिए ये है थर्मो इलेक्ट्रिक सीरीज अब स्टूडेंट्स हाउ यू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड ऑफ थर्मो ईएमएफ के स्टूडेंट्स कौन से थर्मो कपल का ईएमएफ ज्यादा होगा कौन से थर्मोकपल का ईएमएफ कम होगा नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्मो ईएमएफ ध्यान से सुना स्टूडेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ थर्मो ईएमएफ एम डेवलप अक्रॉस द जंक्शन ऑफ अ थर्मो कपल इज ग्रेटर इफ

greater is the emf developed for a given temperature difference between the junction so students agar main temperature difference ko same rakhta hu clearly maine kaha ki jo temperature difference hai students उसे मैं same रखता हूं so, मैंने जो आपको example दिया students, first था हमारा FeCu thermocouple.

एंड वॉट अबाउट द स्पेसिंग बिटवीन एफ ई सी यू थर्मो कपल ये देख लेते बच्चो एफ आयन ये रहा कॉपर मनी एज कम्पेयर टू स्टूडेंट एंटी मनी एंड बिस्मत जो स्पेसिंग है आयन एंड कॉपर के बीच का एज कम्पेयर टू एंटी मनी एंड बिस्मत जो स्पेसिंग है

let me give you an important note students highly conducting metals like gold and aluminum have small thermo emf whereas magnetic metals like iron magnetic alloys like constant and semiconductors

तो जो यहाँ पे जैसे 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 मैं हॉट जंक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करता जाऊंगा करता जाऊंगा करता जाऊंगा ई ईएमएफ विल अटेन मैक्सिमम वैल्यू स्टूडेंट ध्यान से देखिए यही वो ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू है तो क्या मैं ऐसा कहू स्टूडेंट्स ईएमएफ का वैल्यू मैक्सिमम हुआ एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर थीटा एन स्टूडेंट्स यही थीटा एन को नाम दिया जाता है न्यूट्रल टेम्परेचर ये नाम आप ध्यान से समझ ले स्टूडेंट्स न्यूट्रल टेम्परेचर सो दैट हम इसे इजिली डिफाइन भी कर सके स्टूडेंट्स न्यूट्रल टेम्परेचर को आप इस तरीके से डिफाइन करिएगा न्यूट्रल टेम्परेचर इज डिफाइंड एज

The thermo EMF developed in the thermocouple is maximum. And एंड अभी अभी students जो मैंने आपको थर्मो कपल एफ का एग्जाम्पल दिया था एफ सी यू स्टूडेंट आयन कॉपर थर्मो ये जो न्यूट्रल टेम्परेचर होता है वो लगभग होता है आयन कॉपर थर्मो के लिए 270 डिग्री सेल्सियस इसका ऑब्वियस मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स दैट अलग अलग थर्मोकपल का अलग अलग हमें न्यूट्रल टेम्परेचर मिलने वाला है नाउ स्टूडेंट्स विल हैपन दिस न्यूट्रल टेम्परेचर अगर हम हॉट जंक्शन का टेम्परेचर इंक्रीज करते रहे वो मुझे आपको बताना है स्टूडेंट्स एज टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन इज इंक्रीज फर्दर फर्दर का मतलब हुआ स्टूडेंट्स ये न्यूट्रल टेम्परेचर के बाद भी हम लोग जो हॉट जंक्शन है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते रहे तो देखते क्या होता है द थर्मो ई एम एफ डेवलप इन द थर्मो कपल इट कीप्स ऑन डिक्रीजिंग 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 स्टिल आपको फाइनली मिलने वाला है स्टूडेंट यहाँ पे जीरो तो क्या मैं ऐसा कहूँ स्टूडेंट्स कि ये जो ग्राफ हमें मिला ये जो ग्राफ हमें मिला कौन सा ग्राफ स्टूडेंट्स जिसमें हमने वाई एक्सिस पे ई रखा थर्मो ई एंड हमने एक्स एक्सिस पे हॉट जंक्शन का टेम्परेचर रखा दैट ग्राफ स्टूडेंट्स इज अ पैराबोला एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है दिस वेरिएशन इज अ पैराबोला तो स्टूडेंट्स हम न्यूट्रल टेम्परेचर के बाद जब टेम्परेचर को इंक्रीज करते रहे हॉट जंक्शन के टेम्परेचर को इंक्रीज करते रहे सो थर्मो ईएमएफ डिक्रीजेस डिक्रीजेस एंड फाइनली एक ऐसा टेम्परेचर भी आता है जब भी ये जो थर्मो ईएमएफ है वो जीरो हो जाएगा ना स्टूडेंट ध्यान से इसे सुनना है अगर मैं इस हॉट जंक्शन को और ज्यादा हीट देता रहा मतलब स्टूडेंट्स जीरो थर्मो ई हो गया है और ज्यादा हीट देता रहा मतलब मुझे क्वाड्रेंट को चेंज करना पड़ेगा इसका मतलब हुआ स्टूडेंट्स

टेम्परेचर ऑफ इनवर्जन टेम्परेचर बच्चों का जो ई एम एफ है वो मैक्स हो गया एंड ये है बच्चो ये है बच्चो इनवर्जन टेम्परेचर जहा पे आपका ये जो थर्मो कपल है उसका ई एम एफ जीरो हो गया एंड उसके बाद जो थर्मो कपल होगा उसका ई एम एफ अपना डिरेक्शन को चेंज कर लेगा बेटा दिस इज ग्राफ ऑफ थर्मो ई एम एफ वर्सेज टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन स्टूडेंट्स द वेरिएशन ऑफ थर्मो ई एम एफ विद टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज ई इज इक्वल्स टू अल्फा थीटा प्लस हाफ बीटा थीटा का स्क्वायर वाइल यूजिंग दिस फॉर्मूला आई हैव टू अज्यूम दैट थीटा सी इज जीरो मतलब टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन इज ज़ीरो डिग्री सेल्सियस। स्टूडेंट्स मुझे ये फार्मूला में अल्फा दिखा और मुझे दिखा बीटा अल्फा का यूनिट वोल्ट पर डिग्री सेल्शियस बीटा का यूनिट वोल्ट पर डिग्री सेल्शियस का स्क्वेर बेसिकली मैं ऐसा कह सकता हूँ स्टूडेंट्स दैट अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स हैविंग डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट पैर ऑफ मेटल्स बट इन जनरल फॉर अ पर्टिकुलर पैर अल्फा एंड बीटा आर कॉन्स्टेंट्स स्टूडेंट्स जब भी ये थीटा सी जीरो नहीं होगा तो फॉर्मूला कैसा दिखेगा फॉर्मूला दिखेगा ऐसा ई इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा द होल इंटू थीटा माइनस थीटा सी प्लस हाफ ऑफ बीटा द होल इंटू थीटा स्क्वेयर माइनस थीटा सी का स्क्वेयर वेर डेफिनेटली बच्चों थीटा सी इज टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन स्टूडेंट्स ये जो ग्राफ हम देख पा रहे हैं दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक थीटा एन के लेफ्ट एंड राइट में मतलब थीटा एन माइनस थीटा सी हैज टू बी इक्वल्स टू थीटा आई माइनस थीटा एन थोड़ा सॉल्व कर ले बच्चों टू टाइम्स ऑफ थीटा एन विल बी थीटा सी प्लस थीटा आई मतलब थीटा एन थीटा सी प्लस थीटा आई द होल अपॉन टू इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स दैट न्यूट्रल टेम्परेचर इज द अरेथमेटिक मीन ऑफ टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन एंड इनवर्जन टेम्परेचर थीटा एन इज द अरेथमेटिक मीन ऑफ थीटा सी एंड थीटा आई मतलब थीटा एन इज इक्वल्स टू थीटा सी प्लस थीटा आई द होल अपॉइंट टू इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला स्टूडेंट्स मैंने इसीलिए इसे हाईलाइट कर लिया Now students, we are going to understand a difficult concept related to thermoelectric power. Students, the differential coefficient of thermo emf with respect to the temperature of hot junction keeping cold junction temperature at 0 degree Celsius is known as thermoelectric power. लेट मी टेल यू इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सी बैक को एफिशियंट जिसको हम लोग स्टूडेंट्स एस से डिनोट करेंगे आई रिपीट द डिफरेंशियल को एफिशियंट ऑफ थर्मो ई एम एफ विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन कीपिंग कोल्ड जंक्शन टेम्परेचर एज जीरो डिग्री सेल्सियस इज नोन एज थर्मो इलेक्ट्रिक पार

डीई बाई डी थीटा अभी स्टूडेंट्स इसको थोड़ा हम स्टेप वाइज मैथमेटिक्स के हेल्प से समझेंगे रिसेंटली आई गेव यू फॉर्मूला ऑफ थर्मो ई एम एफ ई इज इक्वल्स टू आल्फा थीटा प्लस हाफ बीटा थीटा का स्क्वायर थर्मो इलेक्ट्रिक पार एस बच्चों मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में इट इज डी ई बाई डी थीटा मतलब डेरिवेटिव ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू थीटा

थर्मो इलेक्ट्रिक पार इसका फॉर्मूला मिला अल्फा प्लस बीटा इनटू थीटा स्टूडेंट्स एस इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इनटू थीटा क्या मैं ऐसा कहूँ स्टूडेंट्स अगर मैं वाई एक्सिस पे एस यानि थर्मो इलेक्ट्रिक पार रखूँ एंड मैं एक्स एक्सिस पे थीटा रखूँ सो दिस बिहेवियर इज ऑफ द फॉर्म वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी मतलब इसका बिहेवियर एस वर्सेस थीटा का बिहेवियर मुझे मिलने वाला है स्ट्रेट लाइन डेफिनेटली नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये इक्वेशन टू कर दू और इसके पहले वाला जो ई वाला इक्वेशन था अल्फा थीटा प्लस हाफ बीटा थीटा का स्क्वायर वो इक्वेशन नंबर वन हो जाएगा स्टूडेंट्स मैंने नंबरिंग भी कर दिया हाईलाइट भी कर दिया ग्रीन से ताकि आप ध्यान से ये दोनों इक्वेशन को देखते रहे अब मैं क्या करूँगा बच्चों मैं न्यूट्रल एंड इन्वर्जन टेम्परेचर के लिए दो अलग अलग कंडीशन फ्रेम करने वाला हूँ स्टूडेंट्स क्या मैं ऐसा कहूँ जब हम न्यूट्रल टेम्परेचर पे होंगे तो थीटा क्या होगा थीटा एन और बच्चों जो थर्मो ई है वो होगा मैक्स तो एस का वैल्यू क्या होगा जीरो अब मैं ये दोनों को स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर टू में सब्सिट्यूट कर दूंगा एस को मैं सब्सिट्यूट कर दूंगा जीरो अल्फा एज इट इज बीटा इन टू थीटा बन जाएगा थीटा एन थोड़ा इसको मैं सॉल्व कर लू स्टूडेंट्स माइनस आल्फाज बीटा इन टू थीटा एन तो बच्चों मुझे थीटा एन यानी न्यूट्रल टेम्परेचर मिल गया माइनस ऑफ आल्फा अपॉन बीटा थीटा एन इज माइनस ऑफ आल्फा अपॉन बीटा थोड़ा सा इसको हम प्रॉपर फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स थीटा एन मुझे मिला न्यूट्रल टेम्परेचर मुझे मिला माइनस ऑफ अल्फा डिवाइड बाय बीटा। दिस डिड बाई बी फॉर न्यूट्रल टेम्परेचर स्टूडेंट्स, लेट अस गिव इट अ नंबर। इक्वेशन टू तक हम नंबर दे चुके थे बच्चों ये है हमारा इक्वेशन नंबर थ्री यस। अब इनवर्जेंट टेम्परेचर के लिए मुझे सोल्व करना है बच्चों। वेन टेम्परेचर ऑफ हॉट जंक्शन विल मैच विथ इन्वर्जेंट टेम्परेचर कैन आई से स्टूडेंट जो थर्मो ई एम एफ है वो जीरो हो जाएगा मतलब जब थीटा है थीटा आई इन्वर्जन टेम्परेचर ई e एम एफ क्या है बच्चों जीरो ये दोनों को स्टूडेंट्स मैं इक्वेशन नंबर वन में पुट करूंगा तो ई डाल दूंगा जीरो इज इक्वल्स टू अल्फा इन थीटा आई प्लस हाफ बीटा इन थीटा आई का स्क्वायर इसको रीअरेंज कर ले बच्चों थोड़ा अल्जेब्रा अप्लाई कर ले माइनस थीटा आई बन जाएगा हाफ बीटा थीटा आई का स्क्वायर स्टूडेंट्स ये जो थीटा आई है वो कैंसल हो जाएगा राइट हैंड साइड में से थीटा आई का स्क्वायर में से एक थीटा आई पेंडिंग हो जाएगा तो जब मैं रीअरेंज कर लूँगा स्टूडेंट्स थीटा आई को कैंसिल करके मुझे थीटा आई का फॉर्मूला मिलने वाला है कुछ ऐसा थीटा आई विल बी एक्वल्स टू माइनस ऑफ टू टाइम्स ऑफ आल्फा डिवाइड बाई बीटा थोड़ा इसको हम बेहतर लिख दे बच्चों इन्वर्जन टेम्परेचर का यानी थीटा आय का हमें फॉर्मूला मिला स्टूडेंट्स माइनस टू आल्फा डिवाइड बाय बीटा ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है स्टूडेंट्स मैं इसे भी नंबर कर दूँ स्टूडेंट दिस इज माय इक्वेशन नंबर फोर अब स्टूडेंट्स हम इक्वेशन नंबर थ्री एंड फोर को ध्यान से देखेंगे एंड वी विल रिलेट थ्री विथ फोर क्या मैं ऐसा कहूँ बच्चों के जो थीटा आय है वो है टू टाइम्स ऑफ थीटा एंड इनवर्जन टेम्परेचर इज ऑफ न्यूट्रल टेम्परेचर ऑब्वियसली ये सब करने के लिए मैंने क्या एज्यूम किया था दैट थीटा सी जो है वो है बच्चों जीरो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऑफ कोल्ड जंक्शन शुड बी जीरो डिग्री सेल्सियस देन वी कैन सॉल्व द स्टूडेंट्स Finally, it's time to conclude our lecture on thermoelectricity. I hope after attending this lecture properly, you are in a state to answer every question related to the topics shown in this slide. Hope you enjoyed the lecture. Thank you so much, students.